बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब आज तक ये मानव सृजन काल से जब से सृष्टि बनी एक चीज पर बहुत शोध कर रहा है, जिससे नाना धर्मों मतमतांतरों का सृजन हुआ, वो था ईश्वरी तत्व। आज तक इंसान इस पर एकमत नहीं हो पाया। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, जितना खून खराबा परमात्म तत्व पर हुआ है, ईश्वरीय मान्यताओं पर हुआ है, इतना खून खराबा किसी चीज पर नहीं। आज भी देख रहे हैं धार्मिक मान्यताओं के कारण से एक धर्म अपने पक्ष को स्थापित करके दूसरे धर्म को मिटाना चाहता है, भूल जाता है कि हम सबसे पहले एक इंसान है। आखिर कैसा है ईश्वर, है क्या ईश्वर? इंसान ने अपने हितों और स्वार्थ के कारण नाना ईश्वरों का सृजन किया। आज दशा यह है, हर धर्म का एक परमात्मा है, हर बिरादरी का एक परमात्मा है, हर जाति का एक परमात्मा है। बात बड़ी साफ है कि इतने परमात्माओं का सृजन मनुष्य ने अपने हितों के लिए किया। यहां साहब ने बड़ी चोट की है, व्यंग किया है, भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। आखिर ये दो परमात्मा कहां से आए? कोई कहता हल्का, कोई कहता भारी। बाबा हिंदू तो हद में चले, मुसलमान बेहद हद बेहद तो दोनों चले, ताका मता आगाद। हल्का गरुआ जाए न बोली तोली, रूप क्रूप जाए नहीं बोली। एक कहूं तो है नहीं, द्वि कहूं तो गार है, जैसा रहे है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। क्या उनकी वाणी है, कितने रहस्य भरे पड़े। हर शब्द के बाद वो लिख रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो और मेरी वाणी को साधो। आखिर हम सब परमात्म तत्व की खोज मनुष्य क्यों कर रहे हैं? इस पूरे ब्रह्मांड को देखने के बाद हम सब एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड का सृजन करने वाला कोई है। मैंने एक वृतांत पहले भी बोला था, मेरे पास एक वैज्ञानिक आया, वैज्ञानिक मुझे कहने लगा ईश्वर नहीं है। ये सब कपोल कल्पित और छल कपट के धंधे। मैंने बोला ये ब्रह्मांड कैसे बना, उसका अन्वेषण। मैंने कहा कृपा करके मुझे नेचुरल की परिभाषा बताओ। नेचुरल की परिभाषा यह है प्रकृति, प्रकृति का स्वरूप क्या है? पंच तत्व, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, यही तो प्रकृति है। कहां से जल आया?
क्या जल ही सब कुछ था? कहां से पृथ्वी आई? क्या पृथ्वी सब कुछ थी? कहां से वायु आई? क्या वायु ही सब कुछ है? कहां से अग्नि आई? अग्नि सब कुछ है। इनका उद्गम तो हुआ, कम से कम वेद एक दिशा तो साफ साफ दे रहा है। सबसे पुरातन धर्मशास्त्र वेद है, पर वेद कहे मैं भेद न जाना, थका विचार विचार। सीधी बात है, वेद भी कह रहा है नेति नेति नेति, तीन बार नेति बोल, इतना ही नहीं, आगे भी कुछ। अब वेद पर साहब अपनी एक बात कह रहे हैं, वेद हमारा भेद है, हम वेदों के मां, जौन वेद में मैं रहूं, जौन भेद में मैं रहूं, वेद भी जानता है। वेद कहे मैं भेद न जाना, थका विचार विचारा। अब साहब मां यहां वाणी में कह रहे हैं, भेद हमारा वेद से न्याय। चलिए देखते हैं वेद कहां तक इशारा कर रहा है। परमात्मा निराकार शून्य है, वाह वेद तर्क दे रहा है, शून्य निराकार शून्य स्पेस, उसी से आकाश तत्व बना। ऋग्वेद में भी ब्रह्मांड की संरचना का विवरण, आकाश से ही वायु का उद्गम हुआ, वायु से अग्नि हुई, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। वेद मान रहा है एक आदृश्य सत्ता है जो सृजन कर दिया, उसने किया। इसी को बाइबल भी कह रहा है, पाश्चात्य विद्वान भी कह रहे, द वर्ड वॉज बिगनिंग, वर्ड वॉज गॉड एंड गॉड वॉज वर्ड, ऑल थिंग्स आर मेड बाय हिम, विदाउट हिम नो एनीथिंग। शुरू शुरू में शब्द था, शब्द ही ईश्वर था, जितना भी सृजन है उसके द्वारा बना। यानी वेद और किताब एक मत है, वो कह रहे हैं परमात्मा बेचूना, इसलिए इस्लाम में उसको बेचूना खुदा कह रहे हैं, हमारे धर्म में उसे निराकार परमात्मा कह रहे हैं, ईसाई उसे आकाशी पिता कह रहे हैं। यानी वो यहां तक बोल रहे हैं, कुछ पाश्चात्य विद्वान ये भी कह रहे हैं वन गॉड वन लॉ वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स, एक सत्य एक शक्ति, पर हमें वो नहीं दिख रही है, पर है जिसने ये पूरा सृजन किया। यानी घूम फिर करके लोग उस निराकार सत्ता तक आते हैं, पर निराकार का उद्गम किससे हुआ? शून्य का। अब साहब भी कह रहे हैं शून्य में रचो संसार, और निरंजन का है खेल सार। उस सत्ता को साहब ने और संतों ने निरंजन बोला। अब सभी यहां तक अटके, अब साहब क्या करे? वेद किताब पार नहीं पावत, थके विचार विचारा। इसका मतलब है उनका संदेश बहुत गहरा है, साधारण नहीं है। इसलिए अब साहब निराकार तक जा रहे। अब साहब क्या बोले? साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आए नहीं। तो वैज्ञानिक मुझे जब बोला नेश्वर, मैं कहा तू भौतिकवादी है, यही मान्यता तो हमारे धर्म में भी कुछ है, जल को ही सब कुछ मानते हैं, अग्नि को मानते हैं, कुछ वायु को मानते हैं, कुछ शून्य को मानते हैं,
पुष्पर्ति की उपासना करते। तुम भौतिकवादी हो, तुमने इन पांच तत्वों को ही सृष्टि का सृष्टा माना है, पर जल कहां से आए, अग्नि कहां से आई, पृथ्वी कहां से आई, विज्ञान कभी भी नहीं पहुंच सकेगा। जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और शेष, कहे कबीर सो पाइए कर सतगुरु की से। सीधी बात है कि वो एलिमेंट अलग है। मैंने वैज्ञानिक से पूछा कर चांद सूरज कैसे, बोला नहीं सूर्य। वाह, मैंने बोला आपका शरीर, बोला नेचुरल वो भी। मैंने बोला एक बात सुनो, खुद ब खुद सब बन रहा है ना, आपके मुंह में 32 दांत हैं, साइड में डॉग टीथ हैं, अखरोट बादाम काटने के लिए आप साइड टीथ को डॉग टीथ, सामने कटर टीथ हैं, दो सेब काटना है यहाँ से काटना है, पीछे जबड़े हैं जिससे आप भोजन चबा रहे हैं, आपकी आंख में लेंस है जिससे आप सब चीज देखते, आपके बॉडी में एक सिस्टम है जिससे आपका जीवन है, फेफड़े हैं, किडनी है, वाइटल ऑर्गन्स हैं, आंखें हैं, ब्रेन है, लीवर है, ये सब नेचुरल। आपके जीवन के लिए आहार की जरूरत है, इस वसुंधरा में वो समाया हुआ है, यहीं से अनाज निकल रहे हैं, यहीं से, ये सब नेचुरल है। जरूर इसको बनाने वाला कोई है। हाँ, टॉलस्टॉय ने तो ठीक कहा, वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स, वो दूर है, हम नहीं समझ पा रहे हैं उसको। तो बंधुओं, साहब क्या कह रहे, साकार कहो तो माया माही, अगर साकार कहा तो पंच तत्व में आ जाता है, साकार ये पंच तत्व है, निराकार कहे आए नहीं, निराकार नहीं शुद्ध है, जैसा रहे तैसा कहे कभी मिसा। आगे क्या करे, जो पहुंचा जानेगा वाही कहन सुनन से जा रहा है। तो बंधुओं, यहां एक मान्यता आई, न्यूटन ने जो खोज की थी उसमें उसने एक ब्रह्मांड की बात की थी, एक सूर्य की बात की थी, ये सूर्यमंडल की बात की थी। अब वर्तमान के वैज्ञानिकों के पास संसाधन अधिक है, गैलेक्सी में आकाश गंगा में कई ब्रह्मांड है, आप शिक्षित लोग हैं, सुनते भी होंगे, टीवी पर भी देखते हो, इसका मतलब अब आगे साहब क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। जय खोजत ब्रह्मा थके, आदमी की औकात क्या है, नर सुर नर मुनि और शेष, सुर नर मुनि और शेष, ये थके। अब यहां आदमी ने क्या किया, एक आसान सौदा खेल खेल खिलौना शुरू किया। यहां साहब एक तंज कस रहे हैं, करोड़े जतन सखी साहिब मिलन, गुड़िया गुड़वा भुइया भवानी, छोड़ दे ये बनिया लड़कैया खिलन की, मान कैसे आदत को, बोला ये बच्चों खेलने की आदत छोड़ दो। हम सब ने एक अच्छा सिस्टम पकड़ा, मैं किसी धर्म को खंडित नहीं कर रहा, सत्य समान धर्म नहीं आ रहा, लेकिन जब सभी धर्मों को टटोलोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा इंसान का रुझान धर्म स्थानों से हटता जा रहा है। सिर्फ धर्म स्थान, मैंने कई बार हवाला दिया है, यूरोप में, ब्रिटेन में, अमेरिका में लोग चर्च में नहीं जा रहे। एक शोध में आया, रेगुलर 2-3% जा रहे हैं सिर्फ प्रेयर के। इस तरह हमारे धर्म में भी है। हाँ, कुछ धर्मों में लोग राजनीति के कारण से भी पहुंच जाते हैं,
अन्य भावनाओं से भी पहुंच जाते हैं। मैं किसी धर्म की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन होता है। वास्तविकता यह है कि इस समय मनुष्य धर्म विमुख हो चुका है। इस सच को तो हमें स्वीकार करना होगा। मैं लोगों से अक्सर कहता हूं अपनी निंदा सुनने की ताकत हो, जो कोई आपकी निंदा करे उस पर चिंतन कर लो, जो ये मेरे लिए कह रहा है क्या सही में ये चीज मुझ में है, अगर है तो सुधार करो, अगर नहीं है तो संतुष्ट हो जाओ, ये तो मुझ में है ही नहीं। आप निंदा का प्रतिकार हिंसा से नहीं करना, निंदक सही में जगाता है। निंदक जिए जुगंजू, काम हमारा होए, काम हमारा होए बिना कोड़ी को चाकर, कमर बांध कर प्रे करते हैं लोग जाकर, उसे हमारी फिक्र पलक भर नाए बिसारे, पलक भर बना नाए बिसारे प्यार में देता गाली। बोला निंदक की खोपड़ी, वो तो हमेशा हमें याद करता है विरोधी, पलटू निंदक मर गया तभी दीना रोए, निंदक जिए जुगन जुग काम हमारा हुए। नानक देव जी कह रहे निंदक मेरा गुरु, कह रहे हैं लोगों मैंने निंदो निंदो, मेरी बुराइयां हो सकता है मुझे नहीं दिख रही है, तुम मेरी बुराइयां बोलो मैं उसमें देखूंगा, ये बुराइयां हैं अगर मुझमें तो उस पर मैं चिंतन करूंगा, अगर नहीं तो मैं सोचूंगा कि ये बेवकूफ है। इसलिए आमतौर पर आदमी अपनी निंदा सहने की ताकत नहीं रखता, पर अपनी बढ़ाई चाहता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये अहंकार है। यहां नानक देव जी एक सटीक शब्द कह रहे हैं, अस्तुत निंदा ना है जिन बैरी बीच समान, कह नानक सुन रहे बना ज्ञानी ताहे बखान। जो अस्तित्व और निंदा दोनों से परे है। एक बार गार्गी के पास दो वेदांती पहुंचे, उनकी आपस में बहस थी कि दोनों में ज्ञानी को निर्णय किया कि गार्गी ज्ञानी है, उससे जाकर पूछते हैं। गार्गी ने एक से पूछा, भाई तुम्हारे विचार से परम ज्ञान क्या है? बोला सुख और दुख में समान रहना। ठीक है। दूसरे से पूछा, तुम्हारे विचार से ज्ञानी कौन है? उसने भी ऐसी कुछ व्याख्या दी, उसने कहा जाओ दोनों बेवकूफ हो, जिसे सुख दुख का इल्म नहीं वही ज्ञानी है, जिसे ज्ञान अज्ञान का दोनों से परे है वही ज्ञानी है, इसलिए तुम दोनों अभी नौ सीखे हो। तो मोटी माया सब तजी झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया झीनी सबन को। कभी कभी कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मुझे आकर कहते हैं गुरु जी हमारे गांव में आपकी बड़ी निंदा है, वो दुखी होते हैं। मैं कहता हूं जहां मेरी निंदा ज्यादा है मैं सोचता हूं मेरा तीर निशाने पर वहीं लगा है, मैं कहता हूं तुम एक अहंकार से ग्रसित हो इसलिए तुम निंदा की तरफ ध्यान नहीं दो, ये तुम्हारी समस्या बन गई है। वजह तुम्हारे गांव में कुछ और पंथ है, उनके पंथों के अगुआ भी कुछ काम कर रहे हैं और तुम मेरे अगुआ होकर के काम कर रहे हो,
अब तुम में ये अहंकार आ गया कि मैं काफी लोग वहां पहुंचा रहा हूं, इसलिए ये तुम्हारे अहंकार की लड़ाई, उन्हें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। वाह, यहां साहब ने एक शब्द कहा, तू नाम सुमर जग डरने दे, कोरा कागज कारी शाही जो लिखत पड़े बाको पढ़ लेते, देवी देवा पुट परेता जो पूजे बाको पूजते। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जो नरक पड़े बाको पढ़ लेते। वाह, आप कहते कबीर साहब कह रहे जो नरक पड़े बाको पढ़ लेते, अब साहब यहां क्या करे, बहे बहाए जाते हैं, भवधरिया के मां हैं, ताको पकड़ पा लिए भैया, बहा जा रहा है उसको निकाल लो, अगर वो निकलना ही नहीं चाह रहा है, तुझे भी डुबाना चाह रहा है, तो कबीर साहब कह रहे दुई धक्का दे और, अगर ऐसा कर रहा है तो उसको क्या निकालना, उसको और दो धक्के दे दो, चल जा। बड़ी खरी बोली है, लोगों को आप चिताओ, पर ये भी कह रहे हैं मूर्ख से क्या बोलिए, शट से कहां बसाए, पाहन में क्या मारिए, चौका तीर नशा, फिर क्या करें। ज्ञानियों में हूं मैं ज्ञानी, मूर्खों का दास, जहां चल ले लट्ठी बट्टी वहां छीलू घास। साहब कह रहे मैं तो घसिया रहा हूं, ज्ञानियों में उनके सर पर रहता हूं और मूर्खों के पैर में रहता हूं। मूर्ख का मुंह बम्ब है, बोलत वचन भुजंग, ताकि युक्ति मन है, विष्णु व्यापत अंग। बड़ी नीति कही है साहब। तो इस तरह एक वर्ग है ईश्वरी तत्व पर। मैंने वैज्ञानिक को यह बात बोली, मैंने बोला बात सुनो मेरे भाई, श्वास की जरूरत थी उसके लिए नासका के दो छिद्र बनाए, ये नेश्वर, तुम्हारे फेफड़े बनाए, ये सब नेश्वर, तुम्हारे जीवन के लिए आहार के लिए स्टमक बनाया, प्रोस्टेट बनाई, फिर पूरा माल किडनी में जा रहा है, वो छान रही है, फेफड़ों के पास आता है, फिर हार्ट में आता है ब्लड, ये पूरा सिस्टम नेचुरल है। तुम्हारे पैर हाथों में ये उंगलियां इतने फोल्ड दिए, बड़े कलाकारी से बनाया हुआ है। अगर परमात्मा की संरचना का कमाल देखना है तो इंसान को देख लो, क्या चीज बनाया। तो आई इस तरह मैक्सिमम लोग वहां अटक गए, इसमें उन्हें उनके हितों की पूर्ति थी। वाह, मैंने कई बार बोला है समुद्र पर विश्व के 60 करोड़, 50 से 60 करोड़ लोग समुद्र के कारण रोटी खाते हैं, शिप चलाते हैं, इंजीनियर हैं, कुछ फिशिंग वाले हैं, कुछ कश्तियां चलाते हैं, कुछ खनिज निकालते हैं, कुछ गोता खो रहे हैं, एक पूरा शहर भी नदी के ऊपर बसा हुआ है। इस तरह सिर्फ भारत में 15 करोड़ लोग, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, चर्च वाले हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, ये 15 करोड़ लोग सिर्फ परमात्मा के नाम पर रोटी खाते हैं, उनका ये व्यवसाय बन गया है, उनके बाल बच्चे इससे पलते हैं। और गुरु प्रथाएं भी हैं, 60 लाख तो पंजीकृत गुरु हैं, ये एक व्यवसाय बन गया। कबीर साहब ने यहां सजग किया, कह रहे हद छोड़ा बेहद गया, लिया ठीक रहा हाथ, भया भिखारी नाम का दर्शन पाया नाम, बोला मैंने हद बेहद दोनों छोड़ी और उनको ठीकरा तोड़ दिया, ठीकरा लिया और भिखारी बना और सनात हुआ। हद बेहद दो तजी अर्पण किया मिलान,
कहे कबीर तादास पर मानो सकल जहान, जो हद बेहद दोनों से परे चला जाता है। हिंदू तो हद में चले, मुसलमान बेहद। दादू चाल कबीर की दोनों दिन बिना है। भाइयों ये बहुत बड़ा रिसर्च है। न्यूटन ने पहले अंतरिक्ष का ज्ञान दिया, लेकिन उन्होंने कई ब्रह्मांड का जिक्र नहीं किया। लेकिन अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं, अभी वैज्ञानिक अभी कह रहे हैं, नानक देव जी तो बहुत पहले कह गए, कोटि ब्रह्मांडा धातु मालिक, अरे करोड़ों ब्रह्मांड है। हद छोड़ी बेहद गया, सुन्न पार किया अस्तान, मुनिजन महल न पावे तहां लिया विश्राम। कह रहे हैं हद बेहद, हद से मैं निकला शरीर, बेहद शून्य से भी निकला, और वहां जाकर विश्राम पाया जहां मुनिजन महल न पावे, वो जगह को वो नहीं जान। अब लोग कहेंगे उलटपासिया, अरे भाई तुम्हारा दिमाग उल्टा है। स्पष्ट वाणी कबीर की सबसे लकी नजर। हद छोड़ी बेहद गया, रहा निरंतर होए, बेहद के मैदान में रहा कबीरा सुन। कहाँ लावे हद छाड़ी बेहद गया, तासे सदा हुजूर, पार ब्रह्म परिचय भया अब न्यारे तब। हद में पीर न पावई, बेहद से अति दूर, हद बेहद की गम लखे, ताको पी हुजूर। वाह हद बांधा बेहद में, पल पल देखे नूर, मनमा था लगाइए बाजे अनहद तूर। तो बंधु इस तरह केवल ज्ञान कबीर का वर्ल्ड जन जाना। आज वैज्ञानिक गिलेस्पी में आकाश गंगा में कई ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यूटन के पास ऐसे आले नहीं थे। बेंगलुरु में एक दूरबीन है वैज्ञानिक केंद्र में, आंख से 10 लाख गुना ज्यादा देखती है। इसका मतलब है 1 किलोमीटर जो चीज आपको दिख रही है वो 10 लाख किलोमीटर से भी उतनी ही दिखेगी। हदिया से थी हद रहो, बेहदिया बेहद, जो जैसा तह हो गया तहां तैसी औषधि। अभी क्या करें, जो सरगुण वाला है उसको सरगुण से ही समझाओ, जो निराकार वाला है उसको निराकार से ही समझाओ, जो जैसा मरीज है उसको वैसे ही दवा दो। कबीर हद के जीव से हित करे मुखे मुख न बोल। जो सरगुण वाले हैं उससे जब आप बोलेंगे आपका बहुत खंडन करेंगे, नहीं ज्यादा बोलो। जो राचे हद बेहद से परे तिन से अंतर को, बेहद विचार के हद तजो, बेहद तज मिल आस, सभे अलिंगन मेट के करो निरंतर वास। नहीं आवे नहीं जाए। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, जह जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर, बाड़ी गर्व गुमानते ताते पड़ने। मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं आकर कहते हैं हम सब लोग गए हैं, चलो ठीक है। जब उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका ज्ञान, उनकी चेतना, मनुष्य की चेतना उसकी आंखों में दिखती है। अगर आंखें उसकी सजग नहीं है तो आप जान जाते हैं, आंख से ही तो आदमी के ब्रेन को पढ़ते हैं, आईज इज मिरर ऑफ द हार्ट, तो देखने से पता चल जाता है। लोग कहते हैं कोई अच्छा है बुरा है उसके चेहरे पर थोड़ी लिखा, चेहरे पर तो लिखा है, तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा है। हमारी मांसपेशियां दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, दिमाग के चिंतन के अनुसार रंग बदलती है। आपको गुस्सा आया तो चेहरे पर का रंग और हो जाता है,
आप खुश हुए तो आपकी पूरी कोशिकाएं अलग किस्म की हो जाती है, आप झूठ बोलते हैं तो कुछ और हो जाता है। इस तरह लाई डिटेक्टर से वो भी आपकी इन कोशिकाओं को पढ़ता है, आपके सही झूठ को पकड़ता है। अभी तो वैज्ञानिकों ने एक आला निकाला है, कौन कितना कंसंट्रेट है, अभी ढोंगी बाबा पकड़ा जाएगा, वो आपके कंसंट्रेशन की तरंगों को पूरा पूरा पकड़ेंगे, आपको कहेंगे आप कहाँ तक है, कि आपके अंदर कोई थॉट उठ रहे हैं, आपका ब्रेन एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका चित्त एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपकी बुद्धि कुछ काम कर रही है कि नहीं, तुमने इन सब चीज़ों को कितना नियंत्रित कर लिया। वैज्ञानिकों ने तो आधा निकाला आपका टेम्परेचर कितना है, यंत्र निकाला आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, ऐसी मशीनरी निकाली कि आपका आई पावर विजन कितना है। इस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। निरंतर वासी निर्मला शून्य स्नूल से न्यार गंग पूरब पश्चिम बहे पे के बहु जा। देखिए कैसा शब्द है, निरंतर वासी निर्मला। आप सोचे कबीर साहब की वाणी समझना कितना मुश्किल है। टीकाकार ने भी अपने तरीके से टीका कर लिया, निरंतर वासी निर्मला, जो हमेशा वही रहता है वो निर्मल है। अब यहां एक साहबिक शब्द कह रहे हैं, क्षण बिसरे क्षण सुमरे, यह भी सुमरण, आठ पैर बिना रहे सुमरण सोएगा, पलक और पांव और पलक की आरती कौन सी, आरती रैन दिन संत का। निरंतर वासी निर्मला, जो निरंतर, वाह साहब ने क्या कहा, जो लो गणपति जागसी ने सेंध बाबत तस्करा, गाफिल भयो जब नींद में तभी तस्कर संचरा। जब तक आदमी जाग रहा है चोर सेंध नहीं काट सकता घर की, जैसे नींद में गाफिल होता है ऐसे होता है। इस तरह दृढ़ सूरत हमेशा बांधे रहो, क्षण बिसरे क्षण सुमरे, यह तो सुमरण ना है, आठ पहर भी ना रहे सुमरण सुमरे। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कभी सुमरण किए साई माए समाए। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, सुमरण यानी निरंतर अपने को भूले। कबीर जाने संत जन सुमरण संकृष्ण, कह रहे निरंतर वासी निर्मला शून्य स्थूल से न्याय, शून्य स्थूल से परे, हद व्यय से परे, गंग पूरब पश्चिम बहे पेक बहुत उजिया। अब इंडा पिंगला शशुना पूरब पश्चिम बहे, उल्टी चले सब नदियां उत्तर पश्चिम से पूरब में जा रही है। साहब कह रहे हैं ये सांसा उलट दे, गंग पूरब पश्चिम बहे यानी उल्टी हो जाए, पेक बहुत उजड़ा, यानी इसी को गोस्वामी जी इशारे में कह रहे हैं, सोहमा अस्म इति तहां वृत्ति अखंडा। सोहम श्वास को कहते हैं, जहां ये श्वास संग्रहित होती है अनंत व्रत है। शिव दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, शिखा चोटी को कहते हैं। आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, वहां आत्मा का ज्ञान मिलता है। तब भव मूल अविद्यानाश, फिर कह रहे हैं परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कहां चाहिए दिया ग्रत बाती। कबीर चाला जा था पूछ लिया एक नाम, चलता चलता तय गया गांव नाम नहीं ठाम। वाह कह रहे ऐसी जगह पहुंचा जहां गांव नाम ठाम। का वर्णो कांति छवि वर्णत वर्ण न जाए, चिकरण के उजियार थे विद को टिकलर शर्मा है। हा कह रहे उस परमात्मा का क्या मैं उल्लेख करूं, चिकुर कहते रोम को विद कोट विधि ब्रह्मा कोटि ब्रह्मा शर्मा जाएंगे। जहां पुरुष सद्भाव है तहां अनशन को वास, नहीं जन्म का नाम है नहीं तृष्णा नहीं आस।
हर श्लोक वा घर रही नहीं लाभ नहीं हान हंसा परमानंद में धरे पुष्कर रहता ही उसी में। जल की मछली पानी पानी थोड़ी रटती रहती जल में। अब यहां साहब क्या करें जो वहां आए नाम न लिया तो क्या हुआ जो अंतर है पतिव्रता पति को भजे कभो नाम न ले। तो एक क्रिटिसाइज कर रहा है मुझे कोई कह रहा है ये मधु परमहंस कहता है नाम जपना ही नहीं। देखा कैसी क्षुद्र वृत्ति से लोग आलोचना करते हैं। मैं ऐसा तो नहीं बोला एक स्टेज है जब उसमें रहा तो फिर कैसा नाम समझ गया। पर रास्ता चलने के लिए नाम एक साधन है मंजिल पर पहुंच गए तो फिर चलना कैसा। अब आपको मैं एक बात कहता हूं सुरती सब कुछ है ना कितना प्यारा साहब उदाहरण दे रहे हैं। देह माँ विदेह है साहेब सूरत स्वरूप समझे ना कह रहे सूरत ही साहेब है सूरत में साहेब है। देह माँ विदेह है साहेब सूरत स्वरूप अनंत लोक में रम रहा जाको रंग न रूप। हर्ष शोक वाह घर नहीं नहीं लाभ नहीं हान वहां ये सब चीजें हैं नहीं ये तो माया भी है। हंसा परमानंद में धरे पुरुष को ध्यान नहीं देवी नहीं देव है नहीं खट कर्म आचार न देवी है न देवता है न खट कर्म है न आचार है नहीं तीरथ नहीं व्रत है नहीं वेद उच्चार वहां वेद भी नहीं है और व्रत आदि कुछ नहीं उत्पत्त पर रहे वहां नहीं नहीं पुण्य नहीं पाप हंसा परमानंद में सुमरे सदगुरु वाह वाह रहता ही उसी में। पानी 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 आप रट रहे हैं बिना पानी के पिए प्यास न जाए नहीं सागर संसार है नहीं पवन नहीं पानी नहीं धरती आकाश है नहीं ब्रह्म निशानी ये नहीं चंद्र सूर्य घर नहीं नहीं कर्म नहीं काल मगन हो नाम को गए छूटे छूट गए जंजाल। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं संतोषो निर्देश अभा जहां जाए पर हंसना आवे भव सागर की धारा सूर्य चंद्र नहीं था प्रकाशत नहीं नव मंडल तारा उदय अस दिवस नहीं रजनी बिन ज्योति उजियारा पांच तत्व गुण तुन तीन जाने नहीं सृष्टि बसारा सुधा प्रसार न शीतल भूषता दुख सुख को संसारा आज न व्याधि उपाधि को सुने पाप पूर्ण विस्तारा ऊंच नीच कुल की मर्यादा आश्रम मरण विचारा धर्म अधर्म तहा कशनाई संयम नियम अचारा अति अभिराम धार धाम सर्वोपर शोभा जा सपारा कहे कभी सुनो भाई साधो तीन लोग से नारा। देखा अब यहां बार बार आ रहा है तीन लोग से नारा ये बात ही तीन लोग की कहते हैं त्रिलोकीनाथ बोल रहे हैं साहेब कह रहे तीन लोग से नारा। तो मेरे भाई बहनों इसमें कुछ वजन है पर क्या कहूं काल का जीव माने नहीं मैं कोटिन कहूं बुझाया मैं खींचू सतलोक को ये बांधा जम बुझा। अच्छा समय हो गया मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा अब आरती होगी साहेब।